अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तान के प्यारे शहर लाहौर से मैं हूं वहीद राजा। अल्लाह के फजल करम और रहमत से मैं बिल्कुल ठीक हूं और अल्लाह के हजूर सब दोस्तों के लिए दुआगो हूं। आज 9 ज़िलहज है, हज का दिन यानी कि कल ईद होगी। आज हम लाहौर से निकल रहे हैं और अपने आबाई गाँव जा रहे हैं और आपको रिश्ते में इंशाल्लाह ताला खूबसूरत नज़ारे भी दिखाएंगे। तो आइए लाहौर से निकलते हैं और आपको सैर पर वापस जाते हैं। जी मैं आके बैठ चुका हूँ जी गाड़ी में, अभी बच्चे आ रहे हैं और अभी हम निकल चल रहे हैं। सुबह के 6:30 होंगे, हर तरफ अभी खामोशी, लाहौर सोया हुआ है, वैसे भी छुट्टी है। अल्लाह पाक हमारा ये सफ़र मुबारक करे। खैर ऑफिस से हम पहुँचे और आपको भी इंजॉय करें, गपशप करें और सब चलता रहे। आपको मैं वहाँ से गाड़ी भरी हुई है और अभी लोगों से भी भर जाएगी। मोटरवे में चढ़ जाएंगे 2-4 मिनट में इंशाल्लाह ताला लम्बा की तरफ़ से, तो फिर आगे आपको मोटरवे के नज़ारे दिखाते हैं। अभी हम मोटरवे पे आ गए हैं अल्लाह के फजल और करम से। रामी जी गुजर रहा है जिनके अब हम लाहौर से मुकम्मल बाहर निकल आए हैं। आपके सामने हमारे एक प्लाजा है और जी तो इस वक्त हम कालाशाह काको इंटरचेंज को क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि इस वक्त हम लाहौर के मुजाफा से भी निकल आए हैं और आगे वसी और सर सब्ज़ खेत आपको नज़र आएंगे और बड़ा ये एरिया है चावल और गंदम की काश के हवाले से बहुत ज़बरदस्त एरिया है। तो अभी हम लश ग्रीन एरिया में दाखिल हो चुके हैं और कालाशाह का चीज़ को हम पीछे छोड़ चुके हैं। ये जी मोटरवे के खूबसूरत कर्व जो कि बड़ा खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं, हमने कहा आपसे शेयर करें। इस वक्त ये साइड में बहुत धान की फसल का मौसम है। चावल यानी कि जिसको पंजाबी में असि मुझी आते हैं, ये लोग लगा रहे हैं। देखें जी धान की फसल लग रही है जो हम मज़े मज़े से चावल खाते हैं।
वक्त हम गुजर रहे हैं हिरन मनार इंटरचेंज के पास से। इसकी हिरन मनार एक तारीखी जगह है, मुगलों के दौर की वो इमारत है। इसकी हम एक वीडियो लहदा बना के हमारे पोर्टल पे मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। और ये खूबसूरत नज़ारे छोटे छोटे थोड़े थोड़े हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। जी लाहौर से निकलते ही शेखपुरा के से आगे हिरन मनार से ये एक रेस्ट एरिया आता है, यहाँ पे मैं अक्सर लाजमी खड़ा होता हूँ। लाहौर के शोर गुल और हजूम वाली जगह से निकल के यहाँ पे देखें कितना सुकून है, परिंदे उड़ रहे हैं, खेत खलियान हैं और खामोशी और सुकून है। यहाँ पे आसाब को एक ऐसा सुकून मिलता है कि वो जो वॉइस पॉल्यूशन होती है उससे हट के जब आप एक सुकून जगह पे आते हैं तो एक सुकून सा मिलता है। तो मैंने कहा ज़रा आपसे शेयर किया जाए, लेट्स मूव, आगे हम अपना सफ़र जारी रखते हैं। ठीक है जी, तो चलते हैं। अच्छा जी दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं सुखे की रेस्ट एरिया में। तो यहाँ पे हम फ्यूल वगैरह डलवाएंगे, अपने एम टैग में बैलेंस वगैरह करवाएंगे और फिर यहाँ से आगे फिर हम अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे रेस्ट एरिया भी नहायत खूबसूरत है जी। तो मैं आपको दिखा रहा था सुखे की रेस्ट एरिया, ये मोटरवे के खूबसूरत तरीन रेस्ट एरियाज़ में से एक है। यहाँ पे बड़ी वसी पार्किंग है, इसके अलावा पेट्रोल पंप है, सीएनजी पंप है, सर्विस एरिया, इसके अलावा खाने पीने के बहुत से यहाँ पे ब्रांड हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे, और पाकिस्तान भर के फेमस केएफसी, बारबेक्यू और इस चिकन ब्रास्ट और बहुत सारे और भी ब्रांड्स हैं। बहुत बड़ी मर्दों और औरतों के लिए अलग अलग मस्जिद है इस साइड पे। तो बाकी भी आपको आगे और भी दिखाता हूँ। अल्लाह की कुदरत देखें ज़रा, कैसे बादल आ गए हैं, यकदम ठंडी हवाएं यख चल रही हैं और वो क्या कहते हैं जी, नज़ारा बदल गया, सीन बदल गया बिल्कुल ही, और हिसाब हो गया। अल्लाह पाक रहमत की बारिश दे इसमें से और ये खूबसूरत नज़ारे हमेशा पाकिस्तान के कायम दायम रहे। छोटे छोटे बच्चे से प्यार करने से आए हैं।
से लेके आया था तुम्हारे लिए, लेके आया था आपने खाए नहीं बहुत इतना ना। मोटरवे से उतर के ज़रा आपको लोकल रूट के रोड के नज़ारे कराते हैं। इधर बारिश हुई हुई है अभी अभी और हर शहर धुली धुलाई है, ग्रीनरी है, बागात है, शहर है, सड़क है और ये है हमारा प्यारा पाकिस्तान, खूबसूरत पाकिस्तान। हर शहर धुली हुई है और बादल हैं, हवा चल रही है बड़ी ठंडी ठंडी। ये आप ठंडे जो हैं इनसे आप इनकी मूवमेंट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी प्यारी ठंडी हवा चल रही होगी और बारिश का पानी भी आपको जगह जगह पे निकल आ रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम गांव तो पहुंच गए हैं लेकिन अभी हम घर की तरफ नहीं गए। यहाँ पे बारिश बहुत हुई है, बाग किन्नू के बाग है जिसमें पानी खराब देख रहे हैं मेरे बैग पे। तो हम घर अभी नहीं गए, घर अभी जा रहे हैं और घर जाने से पहले अपने वालदैन की कब्र पे हाजिरी दी है, वहाँ पे लिए दुआ की है, सलाम की है, जो कभी बाहें खुल के हमारा ईद पे वैसे आने का इंतज़ार करते थे आज वो इस दुनिया में नहीं है, अपने माल के हकीकी के पास जा चुके हैं। तो उनके पास सबसे पहले हाजिर देते हैं, जाते हुए मेरी कोशिश होती है कि उनसे सलाम करते दुआ लेके लिए जैसे जिंदा थे तो हम जाते हैं। तो यहाँ पे खामोशी आप सुन रहे होंगे, परिंदों की चहचहाट, ये पीछे मेरे बाग में पानी खड़ा है, बारिश हुई है अभी अभी पहले। यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं सीन दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये पगडंडी जा रही है बाहर डेरे की तरफ, ये सर सबज खामोशी हरियाली धुले हुए दरख्त, ये हमारी खड़ी खड़ी है और ये पीछे सारा पाकिस्तान है और उसके पीछे गांव है। हमारे तरफ का एक कल्चर ये है कि यहाँ पे लोग अपनी ज़मीनों में डेरे बना के कहते हैं जिसको वो रहते हैं। ये देखें डेरा है, पगडंडी जा रही है, ये सड़क की छोटी सी है इससे ये पगडंडी जा रही है और ये आगे उनका डेरा है। इस तरह यहीं पे लोग अपनी ज़मीनों में फार्म हाउस आप भी इसको सकते हैं इस तरह बना के रहते हैं। अभी हम चलते हैं घर की तरफ और बाकी का व्लॉग भी चलता रहेगा और अगर बहुत लंबा हो गया हुआ तो इसको यहाँ पे क्लोज़ करके अगला
वीडियो बनाएंगे और इंशाल्लाह आपसे इन दिनों में गपशप होती रहेगी।